हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 36 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की, टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वन का, पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर वन, जिसका एडिशन है 2021। इसका 36 क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए रीड करने जा रहा हूं। ये देखिए 36 क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स भी सामने रख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर 31 मार्च 2021 की, उसमें क्या आ रहा है नीचे बैलेंस शीट में, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेज अरविंद। माइंड इट, मिसेज अरविंद का लोन है, उसकी वाइफ का और बलबीर की वाइफ का लोन है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कैपिटल के बैलेंसेज हैं, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी तरफ एसेट साइड में कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का एसेट्स दी हुई हैं। बुक डेट मतलब डेटर्स हैं 30,000 के और लेस प्रोविजन की हुई है। बिल्डिंग प्लांट गुडविल एंड P&L का डेबिट बैलेंस है। ये एक एक करके हम इसके ट्रांजैक्शन जब करेंगे मैं एंट्रीज करता जाता हूँ, आपको बताता चाहूँगा क्या कर रहे हैं। अब उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद अगले पेज पे अगर आइए तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, शो रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, शो रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड पार्टनर्स, और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना है। तो चलिए एक एक करके हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये मैंने फॉर्मेट तो थोड़ा सा बना लिया लेकिन इसको अब फिल कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, पर्टिकुलर्स ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये क्या है, उनके नाम हैं पार्टनर्स के, अरविंद एंड बलबीर, अरविंद एंड बलबीर, पर्टिकुलर्स अरविंद एंड बलबीर, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, बैंक अकाउंट, हाँ यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये पर्टिकुलर्स हैं रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके। तो अब हम बैलेंस शीट को सबसे पहले ब्लैंक करेंगे, लाइबिलिटी साइड को शुरू कर रहा हूँ मैं। बाय क्रेडिटर्स करके यहाँ कितना आ गया, 36 क्वेश्चन के क्रेडिटर्स हैं 45,000 के। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना है, हाँ जी बोलिए, 12,000 का, ओके, ट्रेड पेबल्स बाय ट्रेड पेबल्स 12,000 के। और उसके बाद क्या है, बाय मिसेज अरविंद लोन, बाय मिसेज अरविंद लोन भी इस तरफ आ जाएगा, ये कितने का है, 7,500 का, और बाय मिसेज बलबीर्स लोन, ठीक है, और वो कितने का है, अगेन 15,000 का। और उसके बाद अगर आप देखो तो रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड कितने के हैं, 15,000 के। तो यहाँ पे रिजर्व फंड आ जाएगा। एक आइटम के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो नीचे से देखे लिख लो कितने, 15,000 ईच है, ठीक है, पहले तो बैलेंस ही आना चाहिए ना, इसलिए मैंने वो पहले बैलेंस लिख लिया। रिजर्व कितना है, 15,000 का, 15,000 का है, और रेशो दी है, नहीं दी, तो इसका मतलब इक्वली बटेगा 7,500 ईच आ जाएगा इसका। और उसके बाद IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमें यहाँ ट्रांसफर कर देना है, बाय IFR कितना है, 1,500। और उसके बाद कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इसमें बैंक का बैलेंस लिख लेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, वो कितना है, 12,000। और उसके बाद कैश हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैश करके, 750 रुपया भी हमने बैंक में जमा करा दिया। अब एक एक करके एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है हमें, ठीक है जी। एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, टू पहले स्टॉक, स्टॉक कितने का, 7,500 का, टू स्टॉक, स्टॉक कितना है, 7,500 का। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की है, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। और उसके बाद है टू बुक डेट्स, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, वो कितने के हैं, 30,000 के, वो यहाँ आप लिख लोगे, ठीक है जी। उसके बाद है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये यहाँ आ जाएगा कितने का, 3,000 का,
हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बिल्डिंग 22,500 की, और इसके बाद टू प्लांट, प्लांट कितने का है 30,000 का, और टू गुडविल भी यहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है 6,000 की, और उसके बाद पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, टू पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। तो इसको 5,250 रुपये है, 5,250 को अपन डिवाइड कर देंगे 2 से 2,625, क्योंकि हाफ ऑफ बांट है ना, 2,625 हमने इसको इधर बांट दिया उनको। अब वो आगे नीचे एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट अंडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स। ए है अरविंद प्रॉमिस टू पे मिसेज अरविंद लोन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अरविंद कैपिटल में उसकी मिसेज का लोन ट्रांसफ़र कर देंगे और वो पैसा वो पे करेगा, और अरविंद की वाइफ का लोन है 7,500 रुपया, और वो स्टॉक भी लेके गया 6,000 का, और यहाँ आ जाएगा बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट में स्टॉक आ जाएगा कितना 6,000 रुपये का, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके मिसेज लोन कितने का 7,500 का यहाँ ट्रांसफ़र होना है, और टू रियलाइजेशन करके जो स्टॉक है वो 6,000 का हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बोलिए, बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, तो बाय बलबीर कैपिटल कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास यहाँ पे बताइए 15,000, 15,000 का हाफ कितना हुआ 7,500, 7,500 का 10% कम करना है ना हमें, 7,500 का 10% 750 माइनस करके आ जाएगा 6,750। स्टूडेंट्स ये समझ लग गया ना आपको, ठीक है, मैं यहाँ वर्किंग कर दूँगा आपके लिए, ठीक है जी। ये इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितने की है 15,000 की, इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास 15,000 की, उसके दो हिस्से कर लो हाफ, एक तो 7,500 आ गया, दूसरे का भी पता नहीं है ना क्या करना है, 7,500 बलबीर लेके गया लेस 10% 750 करने के बाद ये 6,750, तो ये बलबीर के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके 6,750 रुपये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ओके जी। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद आप इधर आएंगे, बुक डेट्स वर रियलाइज्ड फॉर 28,500 टू बुक डेट्स 28,500 के आगे, ठीक है जी। और ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हमें एक एक महीने के बाद पे करने थे, तो आज ही पे करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर्स, और क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स के साथ में आ जाएगा बिल्स पेबल। तो इसका पैसा कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन में डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पे अगर मैं एक कर देता हूँ आपको, ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 45,000 के, उसका डिस्काउंट कितना बनेगा 2% का हिसाब है, 2% है ना, 2% है और एक महीने का ब्याज है, ठीक है। तो 45,000 का 2% बटे 12 कर दो तो आ गया 75 रुपये, तो 75 रुपये माइनस कर देंगे, 45,000 में से 75 रुपये माइनस कर दो आप, ठीक है, 45,000 में 75 रुपये माइनस करने के बाद हमारा 44,925 करके ये आ जाएगा, ये क्या पे हो जाएगा हमारे क्रेडिटर्स, तो 44,925 करके हम यहाँ पे कर देंगे 44,925। और उसी तरीके से जो ट्रेड पेबल्स हैं या जिसको हम बिल्स पेबल भी बोल सकते हैं, इस केस में ट्रेड पेबल है तो चलो ट्रेड पेबल लिख लो, बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल्स एक ही बात होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है जी। और उसमें बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल में ये 12,000 है, 12,000 का 2% है और 1/12 है, तो इसका कितना डिस्काउंट आ जाएगा 12,000 का 2%, ठीक है, 12 करके आ गया 20 रुपये डिस्काउंट आ गया, तो 12,000 में से 20 रुपये आपने माइनस कर देने 11,980 आ जाएंगे, ठीक है जी। 12,000 में से इसको माइनस कर दो तो 11 कितने आ जाएंगे, 11,980 आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे 11,980, ठीक है जी, कितने आ जाएंगे 11,980 आ जाएंगे। तो अब ये ट्रांसफ़र हम उधर बैंक में कर देते हैं, लेकिन एक बार नीचे पहले देखिए सारी एडजस्टमेंट डालो, तो यहाँ पे प्लांट कितने का सेल हुआ है हमारा 37,500, और बिल्डिंग कितने की सेल हुई है 60,000 की, और गुडविल के कितने पैसे रियलाइज हुए हैं आपको 9,000,
ठीक है जी। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी हैं, 6750 की। और उसके बाद एन ओल्ड टाइपराइटर वाज रिटन ऑफ कंप्लीटली, नाउ द फर्म रियलाइज, कितने का हुआ है, 450 का टाइपराइटर, टाइपराइटर के पैसे कितने के आ गए, 450 के। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने के आ गए, 1500 रुपये के। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने के आएंगे, 1500 रुपये के। और ये थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा फॉर्मेट को, ये रहा। तो चलिए इसके बाद क्या आने गए, अब इसका हम बैलेंस निकालते हैं। लेकिन स्टॉक का क्या किया, स्टॉक था ना हमारे पास एक, अच्छा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ही थी, इन्वेस्टमेंट बाकी 6750 की मार्केट में बिकी, वो पैसा हमने ले लिया। स्टॉक तो हमारा अरविंद ले गया था, चलो ठीक है। अब हम इसका क्रेडिट साइड का मैं टोटल करता हूँ, सबसे पहले कितना आ रहा है, 45,000 जमा 12,000 जमा 7500 जमा 15,000 जमा 1500 जमा 3,000 जमा 6,000 जमा 6750 जमा 28,500 जमा 37,500 जमा 60,000 जमा 9,000 जमा 6750 और जमा 450। तो ये आ जाएगा 238,950। अब इस साइड का टोटल करके देखते हैं, 7500 जमा 15,000 ठीक है जी, जमा 30,000 जमा 22,500 जमा 30,000 जमा 6,000 जमा 7500 जमा 44,925 जमा 11,980 और 1500, ये आ गया 176,905। उसमें से 338,950 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 045। तो कोई एक आइटम से छूट रही है, तो वो क्या है देखते हैं, अभी हमने कुछ इधर से छोड़ा तो नहीं है, 5500 इन्वेस्टमेंट लिख ली थी 15,000 की, स्टॉक लिख लिया, इन्वेस्टमेंट लिख ली। और हाँ, बलबीर के लोन का कि वाइफ के लोन का क्या किया हमने, बलबीर की वाइफ का लोन भी था ना, उसका हमने अभी तक कुछ नहीं किया, उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा हुआ था ना, तो वो तो पे करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये आ जाएगा 2 बलबीर्स वाइफ्स लोन, ठीक है, और वो 15,000 का हमें पे करना है, ठीक है जी। तो ये भी हमें पे करना है, इसका सारे का टोटल कर लेते हैं, 7500 जमा 15,000 जमा 30,000 जमा 22,500 जमा 30,000 जमा 6,000 जमा 7500 जमा 44,925 जमा 11,980 जमा 1500 और जमा 15,000, ये आ जाएगा 191,905। और उसमें से 238,950, ये आ जाएगा 47,045। तो आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 47,045, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही थी बेटा। ये इसके एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, और ये लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, जब इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा तो हमें ये पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू अरविंद बलबीर हाफ एंड हाफ, ये आ जाएगा 23,522, ठीक है जी। और 23,500, इसको 23 कर लो और इसको 22 कर लो, 25 आ रहा है ना, चलो एक को कम एक रुपया का कोई फर्क नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रियलाइजेशन करके, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा इसका 23,523 और 23,522। तो अब इसको मिला लेते हैं, 15,000 जमा 7500 और जमा 7500 जमा 23,523, ये हमारा आ जाएगा 53,523 माइनस 2625 माइनस 6,000, ये आ जाएगा 44,898, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा टू बैंक करके फाइनल पेमेंट आ जाएगी यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट आ जाएगी। अब दूसरे का कितना है, 75,000 जमा 7500 जमा 23,522, ये आ गया 46,022 में हमें 2625 और माइनस 6750 करना है,
36,647 46,022 और 53,523 आ जाएगा ये, ठीक है जी। अब हम मिलाएंगे बैंक अकाउंट को, ये बैलेंसिंग फिगर ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब बैंक अकाउंट में ये सारी एसेट्स बेच के जो पैसा आया वो हमें ट्रांसफ़र कर लेना, हालांकि हमें वैसे ही उसी वक्त कर लेना चाहिए था। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया था, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हमने कर दिया, प्लांट कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बुक डेट भी बिक गए हैं और ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट वो लेके गया। बुक डेट से हमें यहाँ से बाय बैंक अकाउंट लिखना है, बुक डेट से हमारा बैंक अकाउंट शुरू हुआ था ना, बाकी सारा वहीं से पे हुआ। ओके बुक डेट से, तो यहाँ पे हमें लिख देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, रियलाइजेशन अकाउंट करके क्या आएगा, बुक डेट्स, बुक डेट्स, ठीक है ये पैसा है। फिर ये प्लांट का पैसा, फिर ये बिल्डिंग का पैसा आएगा इधर बिल्डिंग बेच के, और फिर ये गुडविल का पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट करके पैसा आ गया और टाइपराइटर करके पैसा आ गया, ठीक है। ओके तो ये सारा बैलेंस हमें मिला लेते हैं यहाँ पे। ओके वो बुक डेट्स में कितने पैसे हैं, 28,500 रिकवर हुए थे, और उसके बाद प्लांट के कितने हैं, 37,500 और बिल्डिंग के 60,000 रुपया और गुडविल का 9,000 रुपया और रिमेनिंग एसेट्स 6,750 की बिकी थी और 450 रुपया ये रिकवर हुआ। और दूसरी तरफ इधर हमें क्या करना है, बाय रियलाइजेशन करके लाइबिलिटीज़ जो पे किए हैं, क्रेडिटर्स पे किए हैं 44,925 के, ठीक है जी। ट्रेड पेबल हमने पे किए हैं 11,980 के, ठीक है जी। और एक्सपेंसेस कितने के पे किए हैं, 1,500 के। और मिसेस बलबीर्स लोन कितने का पे किया है, 15,000 का, ठीक है जी। और बाय बलबीर्स अरविंद्स कैपिटल और बाय कौन है, बलबीर्स कैपिटल करके कितने पैसे आएंगे, ये पैसे आ गए 44,898 और ये आ जाएगा 36,647। तो अभी हम इसका टोटल मिलाएंगे, ओके जी। तो यहाँ आ जाएगा 12,000 जमा 750 जमा 28,500 जमा 37,500 जमा 60,000 जमा 9,000 जमा 6,750 और जमा 450, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,54,500। हाँ वो बलबीर लेके गया टाइपराइटर कौन लेके गया, बलबीर। तो ये बलबीर के खाते में जाएगा टाइपराइटर बाय बलबीर्स कैपिटल अकाउंट 450 रुपया। यहाँ से तो टैली हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइपराइटर हमने बलबीर को ट्रांसफ़र कर देना टाइपराइटर, ठीक है। 450 रुपया यहाँ माइनस कर देना पड़ेगा हमें, 36,647, ठीक है। ये आया था ना, इसमें 450 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 36,197, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 197 ये फ़र्क आ जाएगा इधर। और इस तरफ से हमें यहाँ से ये टाइपराइटर हमें हटा देना पड़ेगा, क्योंकि वो बलबीर लेके गया, तो इसके बैंक अकाउंट में आने के बजाय वो उधर जाएगा, 36,197 उसका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा टोटल देखते हैं क्या आ रहा है, 12,000 जमा 750 जमा 28,500 जमा 37,500 जमा 60,000 जमा 9,000 जमा 6,750, ये आ जाएगा 1,54,500, ये आ गया 1,54,500। अब दूसरी साइड का टोटल क्या है, माइनस कर दो 44,925, माइनस कर दो 11,980, माइनस कर दो 15,000 44,898 36,197, तो ये आ गया टोटल 1,54,500, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स आपका रहा सॉल्यूशन, ठीक है। ओके मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ सारा क्वेश्चन, समअप कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन में हमने पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र कर ली। माइंड इट कि ऐसे क्वेश्चंस में, रियलाइजेशन के क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में जो गुडविल होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ती नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है जी। यहां से थोड़ा सेंसिटिव केस हो जाते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स लेके गए हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स रियलाइज हुई हैं। बुक डेट से लेके ये सारी हमारी रियलाइज हुई हैं कैश में, तो ये तो बैंक में हमने ट्रांसफ़र कर दी। और टाइपराइटर बलबीर लेके गया था, ये बलबीर के खाते में इधर डाल दिया हमने। उसके बाद लाइबिलिटीज़ एक जो परसेंट है, एक दो दो परसेंट के डिस्काउंट के साथ पे हुई है, उसका हमने ये डिस्काउंट कैलकुलेट करके हमने इसकी पेमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट के दो टुकड़े हुए, एक हाफ ले गया वो
क्वार्टर वो 10% लेस करके और रिमेनिंग भी इतने रुपये की ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। और फिर वो प्रॉफिट आ गया 47,045, तो उनकी इक्वल रेशो होने की वजह से वो बट गया, आधा आधा 50-50 पैसे आ रहा था, ऊपर वाले को हमने 1 रुपया कर दिया और नीचे वाले को राउंड फिगर करके ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया और उनका ये कैपिटल के बैलेंस निकाल लिए। फिर कैपिटल अकाउंट हमने बनाने के बाद ये बैंक अकाउंट में आए, यहाँ पे जो भी हमारी एसेट्स बिकी थी उनका पैसा हमने डेबिट साइड में लिख लिया, जितनी भी पेमेंट्स करी हैं उसका बैलेंस हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और अल्टीमेटली ये हमारा अकाउंट टैली हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चन के लिए मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। ओके जी, डन।